आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी इस पुस्तक से कहानी का विभाग इसमें से दूसरी कहानी दूसरे इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी की स्वाध्याय कृति की शुरुआत हमने पिछले भाग में ही की है। वहाँ हमने लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, दूसरे कहानी की कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए। दूसरे कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने आर्थिक विपन्नता से बेबस परिवार में दूसरों की दखल अंदाजी का सचित्र वर्णन किया। प्रस्तुत कहानी में सुनीता के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अंततः दूसरे उनके परिवार के निजी मामलों में दखल अंदाजी करते हैं, यहाँ तक कि उसके माँ के कितने बच्चे हो यह फैसला भी दूसरे ही करते हैं। सुनीता की शादी का फैसला भी दूसरे ही करते हैं। यह दूसरे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सुनीता छोटे मोटे काम करती रहती है। लोगों की नजरें सदा उस पर टिकी रहती है। वह मन की मन ही सोचती है कि शायद उसका कोई भाई होता तो उसे इस तरह दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। घर की सारी जिम्मेदारी सुनीता पर ही है। इससे भी ज्यादा वह उसके निजी मामलों में दूसरों की दखलअंदाजी से परेशान होती है और वह इसी सबसे छुटकारा पाना चाहती है। तो इस कहानी का वस्तुनिष्ठ कथा वस्तु है। दूसरे कहानी की कथा वस्तु निम्नलिखित स्पष्ट की गई है, दूसरों की दखलअंदाजी। दूसरे कहानी में कमलेश्वर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने निम्न मध्यम वर्ग के परिवार का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। पिता सुबह चले जाते हैं तो रात को ही लौट आते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी वो दूसरों से ही मांगते हैं। इस तरह से इसीलिए वे घर साल किसी ऐसी संस्था के पास भागते रहते हैं जो उनके बच्चों की फीस के लिए उनको सहायता कर सके। बड़ी बेटी सुनीता को कई पक्की नौकरी भी नहीं मिल पाती। जो कुछ दूसरों के लिए करने के नुकसान मिल जाता है छोटा मोटा काम वो कर लेती है। ऐसे में बाहर के लोग किस तरह घर में दखल अंदाजी करते हैं इसका लेखक ने बहुत ही सूक्ष्म रीति से चित्रण किया है। दूध डेपो में एरिया मैनेजर ने इसीलिए काम दिया था कि कुछ पैसे मिल जाए। बगल के ओवरसियर साहब ने पिताजी से कहा कि सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ाया, 30 रुपये मैं दे दूंगा। मतलब दो बच्चों के पढ़ाने के लिए भी वो 30 रुपये उसे दे रहे हैं। इस तरह सुनीता कौन से काम करे है यह भी आसपास के लड़के या आसपास के पड़ोसी ही तय करते रहते हैं। वैसे भी घर का नितांत अपना निर्णय ही कोई नहीं होता। जरा जरा सी बात पे उस दूसरों का दखल रहती है जो घर में नहीं है। दिखने में धुंधला सा दखल ही सही पर वह पूरा और संपूर्ण में रहता है। घर में मशीन और भी आए इसी अधिक अनुपस्थिति में ही कर्जदार तय कर लेते हैं। बिल्कुल अनजाना तरीके से माँ के और बच्चे हो या न हो इसका फैसला भी पड़ोसी करते हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे यह दूसरे तय करते हैं और उन्हें इस बात की कसर भी नहीं होती, क्योंकि वे सोचकर अपना फैसले ले सके जैसे कि जिंदगी में तो कुछ में हासिल होनी चाहिए। भाई बहन क्या पढ़े और किस लाइन में जाए यह निर्णय उस स्कूलों में लिया जाता है जो पूरी फीस मांगते हैं। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने यह बहुत कुछ हद तक ही खुद तय कर सकते हैं। एक अस्पष्ट और अव्यक्त सा घेरा हमेशा उनके गीत में रहता है जो नज़रबंद कैदियों की तरह जैसे सब कुछ कर सकते हैं इसीलिए आज़ाद हैं। इस तरह एक निम्न मध्यम परिवार को जिंदगी के अहम फैसले आस पड़ोस वालों की दखल अंदाजी की समस्या को लेकर ही चित्रित किया गया है। दूसरा है सुनीता का अंतर्द्वंद्व। अभी सुनीता जो है वो उस परिवार की सबसे बड़ी लड़की है। उसके मन ही मन में जो भी द्वंद्व जो भी परेशानियाँ हैं वो उन्होंने बताई है कि इस कहानी में जो नायिका है वो है सुनीता। एक पढ़ी लिखी निम्न वर्ग की वो युवती है। उसकी अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से हो रही है, इसीलिए वह चाहती है कि पहले वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर फिर शादी की बात सोची। उसे पक्की और अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में आस पड़ोस वालों की सलाह के अनुसार वह छोटा मोटा काम कर लेती। पर जब भी वह ऐसे ही आस पड़ोस वालों की सलाह के अनुसार वो छोटा मोटा काम करने लगी, ऐसे ही परिवार में उसकी शादी की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो लगती है। तब उसे अपनी बेरोजगारी का बहुत दुख होता है कि मैं बेरोजगार हूँ, घर पे बैठी हूँ, इसीलिए घर वाले मेरी शादी की बात सोच रहे हैं, क्योंकि खाली बैठे रहने के कारण वह शादी का विरोध भी तो नहीं कर पाती है। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी, इन सवालों का जवाब देना मुश्किल था। वह सोचती थी कि जिन दिनों वह नौकरी करती होती है उसके विरोध की एक वजह आ जाती है कि वो नौकरी कर रही है, जैसे कि नौकरी अपने आप में शादी की जरूरत को पीछे ढकने वाली है। लेकिन बेकारी के दिनों में वह खुद बहुत ही गलत गलत सा महसूस करने लगती है और माँ या पिताजी किसी लड़की की चर्चा करते हैं तो उसका विरोध अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। माना तब भी वह विरोध करती है, उसमें सिर्फ जिद होती है, पीछे कोई वजह तर्क नहीं होता है। खुद शादी न करने की आपकी बात खोखली सी लगती है। इस तरह से सुनीता का जो अंतर्द्वंद तब हो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वह नौकरी करती है। उन दिनों शादी का रूप उसके दिमाग में उभरता है, शायद कोई ऐसा होगा जो कहीं उसे मिल जाए और धीरे धीरे उसके चारों ओर समा जाए, इस शोरगुल से भरे एकांत से उसे अलग ले जाए और वो ये सब कुछ बातें अपनी माँ को बता दे। उस पुरुष के आगमन से यह अनुभव का जो दौर होता है वो समाप्त हो जाए। वह उसके घर के फैसले ले सकता है और तब शादी उसके घर में कुछ स्थिरता पाएगी। मतलब वो ऐसे एक पुरुष को अपने जीवन में लाना चाहती है जो उसके घर के निर्णय को ले सकते, घर की जिम्मेदारी ले सकती है, फिर जाके उसकी ज़िंदगी जो है वो स्थिरता प्राप्त कर सकती है। धीरे धीरे पैर जमीन पर पकड़ने लगेंगे। इस तरह से सुनीता की शादी एवं नौकरी के अंतर्द्वंद्वों को लेखक ने बहुत ही सटीकता एवं सूक्ष्म तरीके के उजागर किया। तीसरा है निम्न मध्यम वर्ग की युवती की मानसिकता का चित्र। कमलेश्वर जी ने इस कहानी में बड़े शहर के निम्न मध्यम वर्ग की एक युवती की मानसिकता का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। आर्थिक स्थिति के कारण उसके परिवार का आत्मविश्वास जो होता है वो कमज़ोर हुआ है। परिवार की स्वरूप दूसरे लोग अक्सर उसके घर वाले उसके घर के छोटे मोटे फैसले करते हैं। ये जो दूसरे हैं उनके कारण कहानी की युवती को बहुत ढेर सारी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। सुनीता इस कहानी की नायिका है। वह परिवार में सबसे बड़ी लड़की है, बहुत कठिन परिस्थिति में अपनी पढ़ाई पूरी करती है, वो अच्छी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, परंतु दुर्भाग्यवश से उसे कई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, इसीलिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। वह भी दूसरों ने बताए हुए जगहों पर और उनके लिए तय किए हुए पैसे पर, जैसे दूर डेपो के एरिया मैनेजर ने बड़े उपकार के भाव से कहा था, हरिवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को कहा और नौकरी नहीं मिलती तब दूध डेपो पर भेज दिया करें, मैं कुछ कर दूंगा, 40-45 रुपए भी दे दूंगा। एक ओवरसियर साहब ने भी ऐसा ही कहा था कि दो बच्चों को पढ़ाया करो, 30 रुपए में दे दूंगा। इस तरह औरों ने बताए हुए काम सुनीता को करने पड़ते। ये सब कुछ सुनीता को क्यों सहना पड़ता है, क्योंकि उसकी घर की हालत जो होती है वो बिल्कुल बुरी होती है और बहुत ही गरीब परिस्थिति में होने के कारण ये सब कुछ उसको झेलना पड़ता है। इसमें का निम्न कथा वस्तु का चौथा भाग है निम्न मध्यम वर्ग की आर्थिक विपन्नता का चित्र। सुनीता के पिता रात्रि दिन काम करते रहते हैं, फिर भी घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है। भाई बहनों की पढ़ाई के लिए सुनीता के पिताजी हर साल किसी संस्था की तरह भागते दौड़ते रहते थे उनकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल सके। ऐसी स्थिति में उनका घर दूसरे लोग ही चलाते थे, उनके घर का अपना कोई निर्णय नहीं होता था, जरा जरा सी बात पर दूसरों की दखल अंदाजी रहती थी और घर ने
घर में एक मशीन आए कि ना आए, इसका भी जो डिसीजन होता है वो उनकी अनुपस्थिति में ही कर्जदार ले आता है। इसी तरह अनजान तरीके से पड़ोसी यह तय कर लेते थे कि सुनीता की माँ को कितने बच्चे हो जाए, सुनीता के भाई बहन क्या पढ़े, कौन सी लाइन ले, इसके लिए भी उसके स्कूल वाले ही सोचते थे, मतलब वो अधिकार भी उन्हें नहीं था। इन सारी बातों से सुनीता बहुत ही दुखी थी, नाराज थी, इसीलिए वो नौकरी करके अपने घर के हालात को सुधारना चाहती थी कि अपने घर के जो डिसीजन से वो घर वाले बाहर वाले ना ले, तो अपने डिसीजन हमको खुद को लेने चाहिए। इसीलिए सुनीता एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थी, जिस तरह से वो नौकरी पाकर अपने घर को अच्छी तरह से संवार सके। निम्नलिखित कथा वस्तु में पांचवा भाग है निजी जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप झेलने की मजबूरी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुनीता की फैमिली जो है वो बड़ी ही गरीब है, बहुत ही मध्यम वर्गीय होने के कारण लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके घर के छोटे मोटे जितने सारे डिसीजन से वो बाहर वाले आस पड़ोस वाले लोग ले रहे हैं। इस कहानी में कमलेश्वर जी ने लिखा है कि ये जो कहानी है वो निम्नलिखित वर्गों के परिवार में से है, अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो वह परिवार किस तरह से दूसरे लोग उस परिवार में हस्तक्षेप करने लगते हैं, उस परिवार के जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो अपने आप आस पड़ोस के लोग या दूसरे लोग ले लेते हैं, इसकी मजबूरी हो जाती है, यह बताया है। सुनीता इस परिवार के सबसे बड़े संतान हैं, बीए पास भी बड़ी मुश्किल से वो हो पाती थी। पिताजी हर साल संस्था में भागते रहते थे ताकि उनके बच्चों के लिए आर्थिक फीस, उनकी जो है वार्षिक फी वो कम हो जाए या किसी से उनकी सहायता मिल सके। यह हाल अन्य भाई और बहनों के स्कूल में लिए होता था। पिताजी को हर जुलाई में फीस के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता था। ऐसी हालत में दूसरों का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। सुनीता को लोग सलाह देते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया करना, या फिर कोई दूर डेपो के लिए सुबह के लिए शाम के लिए करता था। इस तरह से सुनीता वह काम कर पाती थी और ये न तय कर किया हो, यहाँ तक कि घर में मशीनें आए कि न आए इसे कर्जदार ही तय करते थे। माँ को और कितने बच्चे हैं इसका फैसला भी पड़ोसी करते थे। पिताजी चुनाव में किसको वोट देंगे यह भी दूसरे तय करते हैं। भाई बहन क्या पढ़े और किस लाइन में जाए यह भी निर्णय स्कूल का होता था। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने या कुछ हद तक दर्जी खुद तय कर लेता था। इस तरह से सुनीता की फैमिली या कुटुंब जो होता था परिवार, उसका पूरे फैसले दूसरे लोग करते थे। इसमें से छठा कथा वस्तु का भाग है सुनीता के अस्तित्व पर दूसरों का हस्तक्षेप। सुनीता घर की एक सबसे बड़ी संतान है, जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो रिश्तेदारों में उसे विवाह की चिंता रहती थी, फिर वह उसके माता पिता पर दबाव डालना शुरू करते थे। सुनीता को अक्सर ऐसा लगता था कि काश उसका अगर कोई बड़ा भाई होता तो सब कुछ निगाहें उस पर नहीं होती। कभी कभी लंबी बेरोजगारी की अवस्था में वह ज़्यादा त्रस्त हो पाती थी, तब उसे लगता था कि अगर 2-225 की नौकरी मिल जाती है तो शायद उसकी घर की स्थिति और अच्छी हो पाती। अपना भी कोई फैसला लेने के लिए वो एकाएक उसका पूरा परिवार उस लाचारी से उबर आता था कि अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल पाती है तो दूसरे मेरे ज़िंदगी का या मेरे परिवार की ज़िंदगी का कोई भी फैसला ना कर सके। दूसरे उसके अस्तित्व को दबोचने हुए उन्होंने वो घर से बाहर निकल पाती, उनके फैसलों को विरोध कर पाती, उसे उल्टा सकती। घर में अदृश्य रूप से इतने ज़्यादा दूसरे लोग छिपकर घुसे हुए थे कि उन्होंने सुनीता का रहना दुर्बल कर रखा था, पूरे परिवार का भविष्य तक नहीं रखा था। मगर नौकरी के नहीं मिलने के कारण वह ऐसे नहीं कर पाती थी कि जन कि अंततः दूसरों ने कहने का परिवार में विवाह के लिए तैयार हो जाए। उसकी इस विवशता के तहत कथानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते। तो इसका निष्कर्ष जो है दूसरे कहानी का, हम इतना ही कर पाते हैं या इतना ही समझ पा सकते हैं कि ये दूसरे की कहानी है, इस तरह से उपयुक्त विवेचन में आधार पर निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में कमलेश्वर जी ने गरीब और बेबस निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में दूसरों की दखलअंदाजी किस कदर होती है, इसका चित्रण यहाँ पे सर्वथा प्रासंगिक किया है। इस तरह से हमने
इस कहानी का जो कत्रो वस्तुनिष्ठ है उसमें से हमने अलग अलग कहानी के पहलू इस प्रश्न में देखे हैं। ये पूरा प्रश्न आपको इसका अच्छे से अध्ययन करना है और जो समझी हुई बातें हैं आपको ये आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखनी है। इसके आगे जो है ससंदर्भ व्याख्या के लिए रचनाएं ये हम अगले सेशन में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।